समांतर माध्य। बच्चों मान लीजिए तीन राशियां ए, स्मॉल ए है, एक कैपिटल ए ले लेते हैं, और बी समांतर श्रेणी में है। तो बीच की राशि देखिए, बीच की राशि कौन है? कैपिटल ए। बीच की राशि ए को दो राशियों ए और बी का समांतर माध्य यानी कि एरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब देखो, चूंकि स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी ये जो है समांतर श्रेणी में लिया है हमने, ये समांतर श्रेणी में है, तो क्या होगा? उनके बीच का अंतर जो होगा वो समान होगा, यानी कि जो दूसरे पद से पहले पद का अंतर है वही अंतर तीसरे पद से दूसरे पद का होगा। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो दूसरा पद है यानी कि कैपिटल ए ऋण पहला पद ए बराबर है तीसरे पद में हम लेते हैं जो है वो स्मॉल बी, और इससे यदि हम दूसरे पद को घटा रहे हैं यानी कि कैपिटल ए, तो इनके बीच का जो अंतर है ये समान होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। अब इसे हम थोड़ा सा यदि हल कर लें तो किस प्रकार का मिलेगा हमें ये ए, और इसका पक्षांतर हो गया तो ए धन ए बराबर बी, और यहाँ ये ऋण ए है इसलिए हो जाएगा ये बी धन ए। आगे और हल करें तो मिलेगा दो ए बराबर बी धन ए। चलिए आगे हल करते हैं। हमें प्राप्त हुआ था दो गुणित कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी धन स्मॉल ए। यहाँ से यदि हम ए बराबर प्राप्त करें तो मिलेगा बी धन ए बटे दो, या इसे लिख सकते हैं कैपिटल ए बराबर ए धन बी बटे दो। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। देखिए जैसे यहां यदि हम बात करें स्मॉल ए और स्मॉल बी, हमने यहां दो राशियां ली हैं और इनका जो समांतर माध्य कैपिटल ए है वो इन दोनों के योगफल का आधा है। इसलिए इन दोनों राशियों स्मॉल ए और कैपिटल बी का समांतर माध्य कैपिटल ए है। उदाहरण 11, वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हल, समांतर
माध्य ज्ञात करने के लिए दो दी गई संख्या जो है उसको हम योग करेंगे और दो से भाग करेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास है वर्गमूल दो धन एक, जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे, धन दूसरी जो संख्या दी हुई है वह है वर्गमूल दो ऋण एक, इसे भी हम कोष्टक में लिखेंगे। और क्योंकि हम समांतर दी गई दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं को का हम योग करेंगे और इसको भाग देंगे दो से बराबर। कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल दो धन एक धन वर्गमूल दो ऋण एक बटा दो। यहाँ देखते हैं धन एक और ऋण एक को जब हम जोड़ेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल दो धन वर्गमूल दो बटा दो, या वर्गमूल दो धन वर्गमूल दो को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा दो वर्गमूल दो बटा दो। अंश और हर में दो को हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल दो। इस तरह से हमने देखा दो दी गई संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो हमने हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल दो। तो इस तरह से यह इस उदाहरण का हल है।